एलंकी के पेज यूज़ किए हमने, और पीछे देखिए इसमें रबड़ की वॉशर डाल रखी है। देखिए कभी भी लगाइए विलफिल तो ये देखिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेके आया हूँ, और आज हमारे पास एक क्लासिक है। आज हम उसमें विलफिल लगाएंगे हिमालयन BS6 की। तो आज तक कभी भी किसी ने हिमालयन BS6 की विलफिल नहीं लगाई होगी क्लासिक पे, तो ले दिखाता हूँ। मैं चलता हूँ बाइक पे और फिटिंग बनाना ऑलरेडी मैं चालू करने जा रहा हूँ। तो मैंने छोटी सी एक वीडियो बनानी है मुझे कि मतलब प्रॉपर कैसे कैसे लगती है, देखते हैं उसे किस हिसाब से इसकी फिटिंग बनती है, और जो BS3 वाली होती है उसकी फिटिंग अलग होती है, उसकी फिटिंग अलग होती है। तो दोनों में देखते हैं क्या डिफरेंस आता है और कैसी लुक आती है। तो चलिए लगाते हैं विलफिल और मिलता हूँ आपको वीडियो के एंड में। तो चलिए दोस्तों लगाते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये आपने कुछ इस तरीके की अभी हम पत्ती डिज़ाइन कर रहे हैं, और देखिए यहाँ हमने निशान लगा लिया। अब इसमें दो सुराग लगाएंगे। देखिए अगर एक सुराग लगाएंगे तो ये ऐसे ऐसे पत्ती मूवमेंट होगी तो विलफिल हमारी हिलेगी। और ये क्या है, एक्यूरेट दो सुराग लगाएंगे, बिल्कुल एक्यूरेट। देखिए रिम में लगाना, आपने मत्थे में छेद नहीं हो रहा है। देखिए ये हेडलाइट का रिम है, अगर बाई दफे निकालते भी हैं तो दो पेच लग जाएंगे तो भी अच्छा लगेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसलिए हम इसमें देखिए निशान लगा लिया है। अब दो सुराग मारते हैं आगे, चलिए देखता हूँ कुछ इस तरीके की अभी BS6 की विलफिल है, ये फिट कर रहा हूँ। तो चलिए ज़रा फिट करते हैं, देखते हैं। तो गाइस देखिए, एक तरफ भी तो हमने फिटिंग कर दी है। देखिए अब ये दूसरी तरफ की है, तो देखिए ये दूसरी तरफ की है पट्टी। अब इसको एक बार ज़रा फिट कर लेता हूँ टाइट करके एक बार ही, फिर प्रॉपर एक बार देखेंगे। चलिए तो देखिए दोस्तों, मैंने इसको देखिए ग्राइंडिंग कर दिया है, और देखिए अब इसको पेंट करने जा रहा हूँ। ये देखिए कुछ इस तरीके की पत्ती बन चुकी है दोनों अपनी। अब एक बार मैं आपको इसको फिट करूँगा, फिर दिखाऊँगा आपको। तो चलिए पेंट वगैरह कर लेते हैं। तो गाइस देखिए, विलफिल तो हमारी फिट हो चुकी है। देखिए अब मैं आपको फिटिंग वगैरह दिखा देता हूँ। देखिए एक यहाँ फिट किया है, एक यहाँ पे फिट किया है, फिटिंग वगैरह मैंने आपको दिखाया है। और ये देखिए, ये एलंकी के पेज यूज़ किए हमने, और पीछे देखिए इसमें रबड़ की वॉशर डाल रखी है। देखिए दोनों में कोई भी विलफिल लगाइए तो कभी भी आप इसमें रबड़ की वॉशर ज़रूर डालें, कि जिससे क्या होती है क्रैक्स वगैरह भी नहीं आता है विलफिल में। और काफ़ी देखिए विलफिल इधर भी सेम फिटिंग है, और काफ़ी अच्छी लुक आ रही है। देखिए एक बार इस तरफ से दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए। देखो दोनों में देखिए, कभी भी लगाइए विलफिल तो ये देखिए एक उंगल का मतलब गैप होना चाहिए, जैसे ये जो पेच है ये, क्योंकि ये भी खोलना होता है हेडलाइट, आपको पता है यहाँ से खुलती है इसकी। ये देखिए तो इसमें मैंने ये वाला पेच चेंज कर दिया है, पेच का सोला था पहले, अब गोटी वाला लगा दिया। तो यहाँ से ये खुल जाएगी, और देखिए ये इसको खोलने के लिए सिंपल जो वो है कि देखें ये पेच खोलेंगे और ये हेडलाइट अपनी बाहर खुल जाएगी। और ये रिम में लगाया हुआ है पीछे वाले रिम में, तो कहीं से देखिए बुरा और नहीं लग रहा है और अच्छा भी लग रहा है। तो गाइस देखिए एक बार ये बाइक के प्रॉपर लुक दिखाता हूँ आपको, देखिए कैसी लग रही है। तो वीडियो में कमेंट कर जो बताना कि आपको विलफिल की फिटिंग हमारी कैसी लगी है, और विलफिल कैसी लग रही है। हमें तो बहुत ही प्यारी लग रही है, BS6 हिमालयन की विलफिल है। तो दोस्तों देखा आपने कि मैंने विलफिल फिट कर दी है, देखा किस तरीके से कैसी फिटिंग बनाई है, कौन सी पत्ती यूज़ हुई है। तो मैं आपको थोड़ी दो तीन चीज़ें बता देता हूँ। देखिए ये है हिमालयन BS6 की विलफिल, और पहले वाली वीडियो में जो पहले हमने विलफिल की फिटिंग की वो वीडियो होगी, वो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में लिंक मिल जाएगा उसका भी, BS3 वाली होगी वो।
तो दोनों में आपको डिफरेंस क्या, कौन सी अच्छी लगी वीडियो में ज़रूर कमेंट करके बताना। हमें तो बहुत ही प्यारी लग रही थी BS6 वाली, पहले BS3 की लगाई हुई है तो वो भी पहले अच्छी लगती थी, अब हालांकि ये नई आई है, ये अभी तक किसी ने ऑलरेडी फिट नहीं किया होगा BS6 की बेल्टशीट, और मैंने क्लासिक पर फिट करी हुई है। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ ऐसे, और ठीक है, थैंक यू दोस्तों।